Assalamualaikum class, we are going to discuss about the new organelle that is mitochondria. और mitochondria का introduction कुछ ऐसे है आपके पास that it acts as the powerhouse of cell. जैसे आपके पास जो energy है वो generator generate करता है, उसी तरह बिल्कुल आपके पास ये cell का generator है. और किस form में energy आपको मिलेगी? आपके पास chemical energy मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ATP. तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास किस सेल में होता है? यूकैरियोट सेल में. और यूकैरियोट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है. ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ इनके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट वी आर डिस्कसिंग टूडे. माइट्रोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या है? आपका पावर हाउस, यू कैन से पावर जनरेटर. इसके अंदर क्या बनेगी आपके पास? एटीपी दैट इज यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेगा या फिर सेल करेगा अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. बट उसको एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में. और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना किसने है? वो आपके पास क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया. सिंपली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनती कैसे है? एक न्यूक्लियोटाइड है एडिनिन, उसके साथ आप क्या लगा देते हैं? तीन फॉस्फेट लगे होते हैं जिसकी वजह से हम इसको, इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जब आप माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो कुछ आपके पास इसका स्ट्रक्चर ऐसे है. ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होने के साथ साथ इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और उसके साथ ही इसके पास एक इनर मेम्ब्रेन होगी. Let this is that is drawn in blue lines, that is the outer membrane. और outer membrane इसकी जो है वो आपके पास क्या होगी? Smooth होती है. हमने plastids भी discuss किए थे आपके साथ और plastid में chloroplast का हमने introduction जब पढ़ा था तो chloroplast के अंदर हमने कहा था उसके अंदर DNA होता है, वो replicate कर सकता है. जब जब आपको अमाउंट ज्यादा चाहिए है, आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ानी है, तब तब उस क्लोरोप्लास्ट को इंक्रीज किया जाता है. और वो कैसे डबल करेगा खुद को? क्योंकि उसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है. इस बिहाफ पे हमने उसको सेमी ऑटोनोमस भी बोला था. तो आपके पास जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोट यानी एनिमल्स के सेल में ये भी पाया जाता है, प्लांट्स के सेल में पाया जाता है. तो इसका काम क्या होता है? जब जब एनर्जी ज्यादा चाहिए किसी भी सेल ने अपना मेटाबोलिज्म बढ़ाना है, अपने फंक्शन को इंक्रीज करना है, तो उस सबको चलाने के लिए सबसे पहले तो उसको पावर चाहिए. और वो पावर अगर कम हो रही है तो इसको क्या किया जाएगा? जहां पे एक सेल में दो अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया तो वहां पे क्या कर दिए जाते हैं? डबल कर दिया जाएगा. उसका डबल कैसे होगा कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसका चार बना दिए जाते हैं. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दो बना रहे थे आप, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ड्यू टू डबलिंग ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया वो इंक्रीज हो जाएगी. हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की और स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? दो मेम्ब्रेन पे बेस करता है. एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो उसका टेक्सचर कैसा होगा? वो स्मूथ होती है. और यहाँ पे मैंने आपको ब्लू लाइंस लगा के जो है वो उसको लेबल किया है ब्लू ही मार्कर के साथ कि आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है. उसके अंदर जब आप जाते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और लेंथ होने की वजह से हमने उसको क्या किया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, वो बल दे दिए गए हैं. उसको बल को हम बोलते हैं कन्वल्जन, यानी एक बल दे के छोटी जगह पे बड़ी चीज को अगर आपने रखना है तो उसको हमने स्मेट लेना होता है. तो बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर क्या है आपके पास, ऐसे करके स्ट्रक्चर डेवेलप हुआ है. और इस मेम्ब्रेन को आप बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डिंग मेम्ब्रेन और फोल्डिंग की वजह से हमने इसको ड्रॉ किया है ब्लैक कलर. ये तो इसका स्ट्रक्चर. अब ये जो दरमियान में इस मेम्ब्रेन की और इस जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके दरमियान जो स्पेस है बच्चों, वो आपके पास क्या है? उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. मीन्स टू से मेम्ब्रेन के दरमियान को खाली जगह जो बच रही है उसको हमने स्पेस कहा. और दो जो है वो उनके दरमियान है, दो मेम्ब्रेन के सेंटर में है, इसलिए हमने बोला इंटर. इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है? दो मेम्ब्रेन के दरमियान में है इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS, ठीक है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब आपके पास ये जो इसके अंदर है यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके पास मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स. क्या देते हैं? मैट्रिक्स.
और जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो उसमें हमने इंटर फ्लूइड को क्या बोला था, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो स्पेस होगी, मटेरियल है, उसको हमने क्या नाम दिया, मैट्रिक्स। जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं लाइफ के, सेल के सारे इस मैट्रिक्स के अंदर ऑनगो होते हैं। अब आप आ जाते हैं, ये तो हो गया इसका जनरल स्ट्रक्चर की जो ऑर्गेनेल है वो डबल मेम्ब्रेन है, और डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर है एक इनर है, इनर फोल्डेड है, उसके अंदर क्या टेक्सचर है वो भी मैंने आपको बताया। अब इनर मेम्ब्रेन को हम एक पीस काट के देखते हैं कि कैसा है। जब आप एक पीस इसका निकाल के बाहर देखते हैं, ये वाला जो एक आप कह सकते हैं एक बल्ब बन रहा है, इसको आप नाम देते हैं क्रिस्टी। इन केस ऑफ गोल्जी एंड इन केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने मेम्ब्रेन को, फोल्डेड मेम्ब्रेन को नाम दिया था, क्या नाम दिया था, सिस्टर्नी। बट इन केस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया द फोल्डेड मेम्ब्रेन, फोल्डिंग इज नोन एज क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टी है इसकी कंपोजिशन और जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन कंपोजिशन है वो सेम होगी एज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज एवरी मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो एवरी ऑर्गेनेल है सेल का, उसकी सारी मेम्ब्रेन जो होती है उनकी कंपोजिशन क्या होती है आपके पास, सेम होती है। सेम होने का मतलब है लिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, जाते हैं कि ये क्या है। हमने हमेशा जब हमने ड्रॉ किया था कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, हमने लिपिड्स की दो लेयर बनाई थी और दरमियान में हमने कहीं कहीं पे प्रोटीन को अटैच किया था, जिसकी वजह से हमने कहा था फ्लूइड वाज एक मॉडल है ये। तो सेम केस है, ये जो एक मेम्ब्रेन है असल में इसकी लिपिड्स की क्या होंगी, दो लेयर्स होंगी, एक अपर लेयर होगी और एक लोअर होगी। तो इस टाइम में आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है जी, इस तरह। और दरमियान में आपके पास ये जो लिपिड बायलेयर है ये उसकी टेल होती है, जो एक दूसरे की तरफ बट इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अब ये जो डबल लेयर है इसके अंदर आपके कौन कौन से फंक्शन चलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपने अपनी लाइफ में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, ठीक है, वो भी इसके अंदर होगा। क्रैब्स साइकिल कहीं पे आपने पढ़ा होगा लाइफ में, वो भी इसके अंदर होता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो मैकेनिजम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया अपने अंदर चला सकता है। अगर ये नहीं होगा तो वो प्रोसेसेस भी आपके साथ नहीं चलेंगे। मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, अब इसके अंदर वो जो आपकी एनर्जी बनती है, ATP बनती है, वो कहाँ पे बनती है, इसके अंदर होते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल होता है जिसको आप बोलते हैं F1 पार्टिकल, समझ आ रही है। इस F1 पार्टिकल ने क्या करना है, इसकी अब ओरिजिनेशन क्या है, हमने ऐसे ही देखा, ये आपके पास मेम्ब्रेन की इनसाइड है और ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड है। मींस टू से ये अगर मैंने पीस निकाला है तो ये जो है आपके पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस है आउटसाइड पे, और जो इनसाइड है वो क्या होगा, स्ट्रोमा, ठीक। अब इधर से जो ये आपके पास मटेरियल प्रेजेंट है इसको आप बोलते हैं F1 पार्टिकल, और ये पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाइड्रोजन को हमने दोबारा अंदर डालना है। जब हाइड्रोजन बाहर आएंगे दोबारा हमने कहाँ डाल देना है, इनसाइड, मींस टू से फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, ठीक। अब ये वाले जो हाइड्रोजन है वो आते हैं, हाइड्रोजन असल में क्या होते हैं आपके पास, प्रोटॉन्स हैं। हाइड्रोजन आइंस के पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी हम एनर्जी को ATP को बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है इसको देखूंगा, ऐसे करके यहाँ पे जो हाइड्रोजन अंदर प्रेजेंट थे H पॉजिटिव आइंस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो बाहर निकल गए, ठीक। इस मेम्ब्रेन को उन्होंने क्रॉस किया, यहां से इस ये वो रास्ता है, यानी आपके पास ऐसी साइट है, ऐसा एरिया है, ऐसा चैनल है जिसके जरिए हाइड्रोजन को आपने इनर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां डालना है, दोबारा मैट्रिक्स के अंदर, समझ आ रही है। जब आप मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे एक ATP सिंथेज होता है, उस ATP सिंथेज को आप क्या बोलते हैं कि ऐसा एंजाइम जिसने ATP प्रोड्यूस करनी है। ये क्या चीज है, ATP
सिंथेसिस से निकला है, यानी एटीपी को बनाने वाला। इसके पास यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट होगा और साथ में जो है बहुत ज्यादा मैट्रिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी फास्फेट अलग अलग घूम रहे होते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया, इस हाइड्रोजन को पंप किया जाता है फ्रॉम F1 पार्टिकल्स टू इनसाइड, और इस F1 पार्टिकल से जब हाइड्रोजन वापस आएंगे एनर्जी ये रिलीज कर देते हैं। ये एनर्जी जो उन्होंने दी है आपको वो आप एडीपी के साथ क्या अटैच करवा दें, फास्फेट, तो बन जाएगा एटीपी। किसने अटैच करवाना है, जो एटीपी सिंथेस है, जो एंजाइम जिसने कैटालिसिस करनी है एटीपी के बनाने वाले अमल की, और इसने जब कैटालिसिस की तो इसने एटीपी के साथ क्या लगा दिया, फास्फेट, और आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, एटीपी। समझ आई। यहाँ से ये मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपके पास एटीपी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और होगी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बाकी किसी मेम्ब्रेन के पास, किसी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन के पास ये वाला प्रोजेक्टर या ये आप कह सकते हैं मैनेजर नहीं होता। कौन है ये, F1 पार्टिकल, ये सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में होता है, और इनर मेम्ब्रेन किसकी, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, यहां तक आपको इसका स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर क्या मटेरियल होता है जी, प्लीज जी। आपने कहा कि एनर्जी रिलीज होगी, तो कैसे रिलीज है मेरा बेटा, ये देखे ना, हाइड्रोजन ऊपर गया, यहाँ से वो एनर्जी गेन करके गया, इस एनर्जी के अंदर वो, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो अपनी एनर्जी अंदर से रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर देगा एनर्जी, वो जो रिलीज हुई वो एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, या इस फास्फेट को इसके करीब लाएगा और वो आपके पास क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी, एक मॉलिक्यूल आपके पास एनर्जी का। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ, इसका फंक्शन कुछ कुछ आपके पास डिस्कस हो गए हैं, बाकी सबसे पहले आपके पास हमने कहा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, डीएनए होता है, डीएनए जब होता है डीएनए के साथ राइबोसोम्स होंगे, जब डीएनए होगा राइबोसोम होंगे फैक्ट्री होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। यू कैन से पहला फंक्शन आपके पास क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस किस बिहाफ पे होगा, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और उनकी वजह से बन जाती है आपके पास प्रोटीन जो इसको चाहिए। ठीक, दूसरे नंबर पे आप कहते हैं एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि हमने इसको नाम भी क्या दिया, पावर हाउस, तो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर भी क्या ये इन्वॉल्व होता है, किस बिहाफ पे होता है, क्योंकि इसके पास होता है F1 पार्टिकल, और F1 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है टू पंप द हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, अब एटीपी प्रोडक्शन के साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है गर्ल्स, केमिकल रिएक्शन, जो भी किसी लाइफ के अंदर हो रहे हैं उनको हमने कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोला है। अब आप लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज आपने खा लिया, उस ग्लूकोज को आपने अगर सेल ने तोड़ना है तो वो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, अगर ग्लूकोज के अंदर से उसने जो एनर्जी जो ऑब्टेन की है, फिर उस ग्लूकोज के जो फर्दर वो अपने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है या छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप मजीद तोड़ेंगे तो फिर आपको एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप बोलते हैं क्रैब साइकिल, जिसके जरिए आप एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, बनाते हैं। क्रैब साइकिल के साथ आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ETC, ये दोनों आपके पास सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेसेस हैं, यानी सेल जब ऑक्सीजन इंटेक करके इन चीजों को ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और उसके बाद क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला के आपके पास एटीपी की सिंथेसिस करता है, तो हम इनको बोलते हैं दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हो कहां रहा है, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज मैट्रिक्स। ठीक हो गया।